हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप सबों को स्वागत करता हूं अपने इस बारक्राफ्ट इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक्चुअली आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल चार्ज करते समय हम किन किन गलतियों को करते हैं और कैसे उसको सुधार सकते हैं। तो ये टोटल मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी साथ में बताऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और अगर आप देख सीखना चाहते हैं सही तरीके से मोबाइल चार्ज करना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है, हम लोग गलती करते हैं हमेशा कि जब भी मोबाइल को चार्ज करते हैं, जब चार्ज में लगाते हैं हमेशा, तो मोबाइल को हमेशा हम लोग इंटरनेट चालू करने के बाद उसको चार्ज में लगाते हैं, जिसके कारण हमारा जो चार्जिंग टाइम होता है वो काफ़ी लेट होता है। जब भी आप मोबाइल को चार्ज में लगाएं, आप उसका इंटरनेट ऑफ कर दे या एयरप्लेन मोड में कर दे उसको। एयरप्लेन मोड क्या होता है, आपके मोबाइल का जो चार्ज करने का जो कैपेसिटी है वो लगभग 25 to 30% आपका इंक्रीज हो जाता है। एंड नंबर टू में देखिए, नंबर टू में क्या करते हैं हम लोग, अपने मोबाइल को किसी भी चार्जर के साथ में हम लोग घुसेड़ना चालू कर देते हैं, जिसके कारण से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आपका एक तो मोबाइल का जो चार्जिंग है वो तो लेट होगा ही, साथ में क्या है कि मोबाइल का बैटरी के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा मोबाइल का अपना जो चार्जर होता है उसी से चार्ज करें उसका, क्योंकि वो उसका एक पर्टिकुलर वोल्टेज उस मोबाइल के लिए उस चार्जर में दिया जाता है। एंड तीसरा, अगर आपका चार्जर अपना है तो भी आप जो केबल इस्तेमाल करते हैं, केबल को आप सही केबल इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट का जो लोकल केबल होता है वो 28 गेज का होता है, और जो कंपनी के साथ आता है वो 24 गेज का होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो बाजार का जो नॉर्मल वाला जो केबल है उसमें भी क्या होता है, चार्ज होने में काफ़ी समय लगता है। तो जब भी इस्तेमाल करें नॉर्मल वाला इस्तेमाल करें। और एक और चीज़ दोस्तों, कि जब भी आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो वायरलेस चार्ज न करें। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि जब भी अगर आप मोबाइल वायरलेस चार्जर को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपका चार्जिंग टाइमिंग जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी स्लो चार्ज होता है मोबाइल आपका। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और दोस्तों, एक्चुअली मैं एक लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो कवर के साथ चार्ज ना करें। कवर के साथ, अभी आप लोग बोलेंगे कवर तो बार बार खोलना पॉसिबल नहीं है, मैं भी जानता हूँ बार बार खोलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कवर खोल के चार्ज में लगाने के लिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि मोबाइल को चार्ज होने के लिए 5 डिग्री से लेके 45 डिग्री के अंतर्गत उसको हीट चाहिए होता है। अभी क्या है, जब वो हीट होता है तो हीट बाहर भी निकलता है। हम लोग एक तो मोबाइल ऐसे ही पैक रहता है, ऊपर से कवर चढ़ा देते हैं उसको, ऊपर पैंट शर्ट पहना देते हैं उसको, तो क्या होता है उसको जो हीट होता है अंदर का, वो हीट प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाता है। और प्रॉपर तरीके से जब वो हीट निकल नहीं पाता है तो मे भी आपका बैटरी में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, या फिर वो सीधे से चार्जिंग नहीं लेगा, और बहुत सारे केस में ये ब्लास्ट होने का भी चांसेस होता है। सो आप लोग क्या कीजिए, जब भी मोबाइल को चार्ज करते हैं तो कोशिश कीजिए अगर पॉसिबल है तो केस खोल के चार्ज करने का। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे में हमारा सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पे क्लिक करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सीधा नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास में आपको मिल जाए। तो धन्यवाद करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।